होंडा एसपी 125 एक्सो रूम प्राइस 90,153 रुपए, ऑन रोड प्राइस 1,05,000। अब 1,05,000 में आपको क्या कुछ मिलता है चलिए आपको बता देता हूँ। फ्रंट से शुरुआत करें, उससे पहले इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही आपने बाइक को स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है। फ्रंट की साइड में आपको मिलता है एलईडी हेडलाइट का सेटअप, जो कि कुछ ऐसा विजुअल होने वाला है। उसके अलावा लुक्स आपको काफी ज्यादा बेटर मिल जाते हैं, जैसा कि 160 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में, 200 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में, वैसा लुक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। किसी पे बंदे मरते हैं भाई, उसके अलावा इसकी प्राइजिंग पे बंदे मरते हैं। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसको बंद कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको हैलोजन वाले मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते भाई, इसमें पानी भर जाता है। इन देखो अभी भी भरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा फ्रंट की साइड में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है कुछ ऐसा, और फ्रंट फेंडर आपको फाइबर वाला ही मिलेगा। 80/118 के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलेंगे 18 इंच अलाइबल्स के साथ में, 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और टॉप से डिजाइन कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये देखो माइलेज लगभग आपको 60 KMPL की माइलेज निकाल के दे देता है, तो ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी बात है 125 सीसी की इस बाइक में। इसके अलावा यहाँ पे किक स्टार्ट का ऑप्शन है, ये देखो, तो सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों मिलता है। 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, पावर इसकी मिलती है आपको 10.8 PS की, और 10.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर इस साइड में देखोगे तो ये पूरा चैचिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ब्रेक पैड का डिजाइन कुछ ऐसा है, इसकी जो ग्रिप है इतनी ज्यादा आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक रॉड है फुटपैक्स, ये फोल्डिंग नहीं होते हैं भाई, ये फिलियन वाला फोल्डिंग हो जाता है। साइलेंसर कुछ ऐसा रखा गया है, बिग साइज का है, क्रोम कलर का यहाँ पे मफलर देखने को मिलेगा। पीछे की साइड में यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलेगा, और पीछे की साइड में आपको 130 mm का यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, ठीक है, अगर आप ड्रम ब्रेक वाला परचेज करते हो। उसके अलावा यहाँ पे 100 सेक्शन का टायर मिलता है, 100/80 सेक्शन का, और 18 इंच के व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेव हैंडल सिंगल पीस है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट वाले नहीं है, लेकिन आपको अच्छे ग्रेव हैंडल देखने को मिलेंगे मेटल वाले। टेल लाइट हैलोजन वाली मिलती है, यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, बहुत दिनों से होंडा कंपनी अपडेट नहीं कर रही है। इंडिकेटर कोई भी फ्लेक्सिबल नहीं है, हैलोजन वाले मिलते हैं। यहाँ पे एक लाइट मिलती है, नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। उसके अलावा फेंडर कुछ ऐसा दिया गया है। इस साइड में आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, लेडी फोटोज देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलते हैं, साइड स्टैंड मिनी स्टैंड आपको दोनों मिलता है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। होंडा का आपको यहाँ पे 3D लोगो मिलता है सामने की साइड में। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन काफी ज्यादा लंबा रखा गया है, जिससे इसका लुक जो है काफी ज्यादा एनहेंस होता है। अगले की बात करें तो देखो यहाँ पे सीट है, और सीट काफी ज्यादा कंफर्ट है यार। सीट के मामले में मैं कोई भी यहाँ पे बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि कंफर्ट सीट मिलती है, 790 mm की सीट हाइट मिलती है। और अगर मैं बैठ के देखूं, मेरी हाइट जो है 5'5" के आसपास की है, और अगर मैं इस सीट पर बैठता हूं तो देखो जो मेरे पैर हैं कुछ ऐसे यहाँ पे लग रहे हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो लो हाइट के बंदे हैं इस बाइक को काफी ज्यादा आसानी से राइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सीट में कोई भी कमी नहीं है, कुशन ठीक ठाक है। उसके अलावा क्या चीजें मिलती हैं, तो देखो ये जो इसका क्लच है ये थोड़ा सा हार्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे पास का स्विच मिलेगा, इंडिकेटर है, और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है कुछ ऐसा है। उसके अलावा यहाँ पे इंजन की किल स्विच मिलती है, ये ब्रेक भी आपको थोड़ा सा टाइट देखने को मिलेंगे। मिरर की क्वालिटी आप देख लो कुछ ऐसी दी गई है। इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले, इसमें आपको टोटल किलोमीटर, टाइमिंग, गियर इंडिकेशन, पोजिशन, और यहाँ पे रियल टाइम जो माइलेज है, रियल टाइम जो एवरेज है वो आपको बता देगा। साइड स्टैंड की लाइट है, यहाँ पे आपको पास वगैरह जलाओगे ये लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, उसके अलावा टर्न इंडिकेटर की लाइट है, यहाँ पे आप ट्रिम मीटर वगैरह की डिटेल को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं, और बाकी इसमें कनेक्टेड वाले फीचर्स कोई भी नहीं मिलते हैं। चाबी बिल्कुल आपको नॉर्मल सी मिलती है होंडा की बैजिंग के साथ में। तो अगर देखा जाए तो इस बाइक में क्या चीजें अच्छी है, क्या चीज बुरी है, तो देखो अगर आप 1,05,000 रुपए खर्च कर रहे हो और आपको मिल रहा भाई 125 सीसी की ये बाइक, 125 सीसी की, जिसका नाम है होंडा एसपी 125, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि अगर 125 सीसी में कहीं और जाते हो तो आपको फीचर्स जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इतनी माइलेज नहीं मिलती है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है, और साथ में बिल्ड क्वालिटी के अलावा इसमें जो लुक्स है वैसा लुक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, और प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई मिल जाती है। तो अगर आपको फीचर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है तो आपके लिए ये बाइक भाई परफेक्ट है। 125 सीसी की ये होंडा एसपी 125, 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर इसमें आपको और ज्यादा कुछ कमी लगती हो तो आप बता सकते हो,
बाकी मेरे हिसाब से अगर आप 125 सीसी की डेली कम्यूटर सेगमेंट की एक फेमिलियर बाइक ढूंढ रहे हो तो ये एसपी 125 आपके लिए फिट बैठती है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप अपनी राय जरूर देना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।